हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं मटन करी। बहुत ही केयरलेस होकर बनाएंगे, टेंशन फ्री बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें मैंने प्याज कम ही इस्तेमाल किया है, सिर्फ 200 ग्राम के लगभग इस्तेमाल किया है, और 700 ग्राम हमारा ये फ्रेश मटन है। तो इसको बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन एंड रिजल्ट इसका बहुत ही लाजवाब आता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कुकर को गरम कर ले और उसमें 100 ग्राम सरसों का तेल डालें। अब तेल बिल्कुल धुआंधार गरम हो चुका है, तो इसमें एक छोटी सी प्याज की बारीक स्लाइसेस को डालकर क्रिस्प होने तक तल लेना है। अब प्याज ब्राउन हो चुका है, तो हमें इसे छान कर निकाल लेना होगा और एक तरफ रख देना होगा। तो क्रिस्प प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब इस तेल में हमें फिर से ये मोटे टुकड़े में कटी हुई प्याज डाल लेना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और इसके सारे पेटल्स खुलकर बिखर ना जाए। यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया है। अब यहीं पर हमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च इस्तेमाल कर लेना है ताकि हमारे मीट में अच्छी सी खुशबू आए। और यहाँ पर जो मैंने होल गरम मसाला इस्तेमाल किया है अपने पसंद से, और जो भी कुछ आपके पास है उसके हिसाब से आप इसमें डाल लें। अब यहीं पर 750 ग्राम मटन को धोकर छान कर मैंने पहले से रेडी कर लिया था, उसे ही मैंने यहाँ पर डाला है। इसी तरह से आप भी धोकर छान कर रेडी कर लें पहले से, ताकि मीट में ज़्यादा पानी ना निकल पड़े। अब इसे तेज़ आंच पर हमें तब तक पकाते रहना है जब तक इसकी जो नमी है वो ना सूख जाए और बाहर से मटन क्रिस्प ना हो जाए। लगभग 3 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छी तरह से तेज फ्लेम पर तल लिया है और अब बारी है लहसुन और अदरक की। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। इसे फिर से हम लगभग 1 या 2 मिनट तेज फ्लेम पर ही तलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चला है और यहाँ पर फ्लेम को धीमा नहीं रखना है, वरना मीट अपने सारे जूसेस रिलीज करेगा और उसमें आपका मीट बिल्कुल बॉयल हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब मटन में डालने के लिए पाउडर मसाले निकालने की बारी है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को इकट्ठा किया है। लगभग 1.5 टी स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, 3/4 टी स्पून मिर्च पाउडर, 3/4 टी स्पून हल्दी पाउडर है और स्वाद के अनुसार नमक है, जबकि मैंने यहाँ पर 1 टी स्पून से कुछ ज़्यादा लिया है। 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यहाँ पर तेजपात लिया है और 2 ब्लेड हमने जावित्री का लिया है। जावित्री मीट में डालने से मीट का मज़ा बिल्कुल मुगलई हो जाता है और उसका विसांध जो है, उसकी जो स्मेल है उसे भी ये काटता है। तो इससे डालने से आपके गोश्त में एक अच्छे से अरोमा आ जाएगा और गोश्त अच्छा भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं मटन अब काफ़ी अच्छी तरह से तला जा चुका है और साथ में जिंजर और गार्लिक भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पर हम डालेंगे पाउडर मसाला और अभी थोड़ी देर के लिए फ्लेम को धीमा कर देना है ताकि मटन को मैनेज किया जा सके। ये सारे पाउडर मसाले जा चुके हैं, 1-1/2 मिनट इसे भी आप मटन के साथ अच्छी तरह से भून लें। और देखिए, ये बहुत ही आसान वाला लेकिन स्पेशल टेस्ट वाला ये मीट बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है।
तो चलिए अब यहाँ पर बारी है गोश्त में पानी डालने का। तो मैं यहाँ पर 150 ml वाले चाय के कप से 1 कप पानी डाल रही हूँ और इतने से ही ये गल जाएगा क्योंकि मैंने फ्रेश मीट इस्तेमाल किया है। अगर आपका मीट फ्रीज़र से निकाला गया है तो उसके गलने में कुछ ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से पानी का अंदाज़ा लगाएं। और मैं यहाँ पर अब कुकर के लीड को बंद करूँगी और पहली सीटी आने के बाद कुकर को धीमा कर देना है और वहाँ से 15 मिनट के टाइम में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अब जो हमने क्रिस्प प्याज तैयार किया है इसे हमें पीसकर पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं कि ये कितना कुरकुरा और कितना क्रिस्प तैयार हुआ है। इसी तरह से क्रिस्प प्याज को आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो इसमें हमें 2 इलायची डालकर और 1 चम्मच दही डालकर इसे पेस्ट बना लेना है। इस तरह से इसमें दही डाल लेना है। एक 15 मिनट गोश्त के पकने के बाद मैंने ढक्कन को खोला है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें जो हमने क्रिस्प प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और धीमी आंच पर 5 मिनट तक इसे दम पर रहने देना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, लाजवाब गोश्त तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और मटन करी एक ऐसी चीज़ है जिसे बिल्कुल केयरलेस होकर बनाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं होता है। और आप देखिए, आप पूछेंगे कि वो क्रिस्प प्याज को डालने का क्या पर्पस था, तो उसकी वजह से मसाले की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होती है और मसाला बहुत ही वेलवेटी और क्रीमी सा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी लज्जत और बढ़ाने के लिए इस पर डाल दें थोड़ा सा धनिया की पत्ती और 2-4 बूंद अगर नींबू के रस का डाल दें तो क्या कहना। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इस रेसिपी को आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए, किसी दूसरी वीडियो के अपलोड होने तक हमें करना होगा इंतज़ार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।